सो गाइस, क्या भी व्हाट्सअप का इस्तेमाल करते हैं गाइस? तो गाइस, फिर से हमारी एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने मैंने व्हाट्सअप को ओपन करके रखा है और यहां पर हम कोई भी एक दो दिन की जो लेटेस्ट यानी कि पुरानी जो वीडियोज़ होती हैं वो यहाँ पर हम उसे डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है, डाउनलोड फेल लिख कर यहाँ पर आता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो गाइस, यहाँ पर हम इन्हें डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर लिखा है कैन नॉट डाउनलोड, प्लीज़ आस्क दैट बी रिसेट टू यू। तो गाइस, इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना और कमेंट बॉक्स में आप नाइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर कैसे आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो चलिए इसी पर बात करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कोई भी यहाँ पर फोटो जो है अपलोड नहीं हो रही, इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो गाइज, आपको करना क्या है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों थ्री लाइन पर जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज एंड डाटा का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेटवर्क यूजर्स डाटा को चेक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोई भी नेटवर्क यूजर ज़्यादा यहाँ पर बैकअप तो नहीं लिया, इसने ज़्यादा तो नहीं भरा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर रीस्टार्ट कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैनेज स्टोरेज चेक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका स्टोरेज फुल है तो गाइज यहाँ पर आपको इसको फ्री कर देना है, फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपका जो है कोई भी फ़ोटो वीडियोज़ होगा वो डाउनलोड नहीं होगा। तो मेरे में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है भर चुका है, केवल 19 GB यहाँ पर बचा हुआ है। तो गाइज, यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से हम आते बैक। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने व्हाट्सअप के ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और ऐप इन्फो पर जाना है। तो गाइज, ऐप इन्फो पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। तो परमिशंस में आपको चेक कर लेना है, इसके सारी परमिशंस जो है वो अलाउ होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी अलाउ नहीं है तो आप अलाउ कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों स्टोरेज कैच पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो है क्लियर कैच कर देना है। यहाँ पर देख सकते 2.19 MB का यहाँ पर भर चुका है और यहाँ पर क्लियर कैच करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो चलिए इस पर हम कर देते हैं क्लियर कैच। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं इतनी MB का यहाँ पर जो है स्टोरेज फ्री कर दिया है। गाइज, आपको गलती से क्लियर स्टोरेज नहीं कर देना है, अगर कर देते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आपका लॉग आउट हो जाएगा। तो गाइज, ये आपको प्रॉब्लम ये यहाँ से फिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है और प्ले स्टोर पर आपको व्हाट्सअप को सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद दोस्तों अगर आपका अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर देना है। अपडेट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हमारे सामने ये वाला खुल चुका है। तो गाइज, यहाँ पर थोड़ा मेरा नेट जो है स्लो चल रहा है, इसके कारण भी यहाँ पर हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए।